naturally our experiences and insights are useful to others. But several weeks ago you called Pakistan, your neighbor, the epicenter of terrorism. Well, I did it again today without using the word Pakistan. India, the foreign minister, Minister for External Affairs, Dr. Jay Shankar Saab, वो काफी ज्यादा पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं. वो अगर अभी मैं देख रहा था वो ऑस्ट्रिया में गया हुआ था तो वो कह रहे थे पाकिस्तान जो है दैट इज एन एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म. दिस इज अ कंट्री व्हिच हैज अटैक्ड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया सम इयर्स अगो, व्हिच अटैक्ड द सिटी ऑफ मुंबई, व्हिच वेंट आफ्टर होटल्स एंड फॉरेन टूरिस्ट, व्हिच एवरी डे सेंड्स टेररिस्ट अक्रॉस द बॉर्डर. फिर वो ये कहते हैं जी कि पाकिस्तान जो है वो डिक्टेटरशिप रहा है तो वेस्ट जो है वो सपोर्ट करता रहा है. दहशतगर्दी वायलेंस जो पाकिस्तान में पिछले 7-8 माह में जिसमें तकरीबन हाई कमिश्नर साहब जो हैं हमारे अब्दुल बासित साहब उनको बहुत अच्छे से क्लियर कट पता है. उसकी वजह ये है कि अबूधाबी जब हम जाते हैं तो उनको पता है आगे मांगने, और जब नरेंद्र मोदी जी या कोई और उनका कैबिनेट मेंबर जाता है तो उनको पता है यार ये कुछ देंगे कुछ लेंगे नहीं हमसे. मैं एक पाकिस्तान के टीवी पे एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें जो बोलने वाला था एंकर, उसने कहा कि पाकिस्तानियों मोदी से नफरत ना करो, आपको भी एक मोदी की जरूरत है. तो दोस्तों कल जो है वो एक ट्वीट हुआ अफगानिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से 1971 की वो जो पिक्चर्स हैं पाकिस्तान फौज की वो जो सरेंडर की और जो जनरल न्याजी बैठे हुए हैं वो पिक्चर्स भी दिखा रहे हैं जस्ट टू गिव एन इम्प्रेशन. इसने लिखा था कि भाई ये कोई तुर्की देश नहीं है जो यहाँ पे वो सीरिया में घुस के कुछ भी करेंगे, ये है अफगानिस्तान. अगर आप सिर्फ कहते हैं कि जी नरेंद्र मोदी साहब को हमने गालियां दे दी तो उससे उसकी इज्जत कम होगी हमारी बढ़ गई, तो मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी बेवकूफी हमारी है. आपको भी एक मोदी चाहिए ऐसे हरामखोर जर्नल और पॉलिटिशियंस नहीं चाहिए. या पाकिस्तान जो है उसको चाहिए पैसा, फौज को चाहिए पैसा लड़ने के लिए, वो बगैर पैसे के. जो बतानी है अभी कुछ दिन रहा मैं यूएई में, मैं मार्केट्स में जाता रहा, ज्वेलर्स के शॉप्स पे मुख्तलिफ बड़ी ब्रांड्स छोटी ब्रांड दरमियान वो मार्केट्स में मुझे मेजोरिटी लोग जो बड़ी ब्रांड्स थी वहां पर मुझे मेल फीमेल जो स्टाफ था वो इंडिया से उनका ताल्लुक होता था. वैसे उनसे बात होती थी तो कोई कहता था केराला सा है, कोई कहता नहीं नहीं दिल्ली से है, कोई उत्तराखंड से है, मुख्तलिफ इलाकों से उनका ताल्लुक होता था. और मैं चीज बड़ी हैरान कुन थी, और मैं इस पे कोई ये नहीं कहूंगा कि मेरे लिए परेशान कुन थी, परेशान कुन नहीं, मैं ये कहूंगा इसको एज ए पॉजिटिव लेना पड़ेगा कि यार हमारे लोग क्यों नहीं पहुंचे. पाकिस्तानी भी मैंने देखा थे लेकिन इंडिया के मुकाबले में बहुत कम थे. वॉचेस की बड़ी बड़ी जो शॉप्स थी वहां पे मेल फीमेल जो स्टाफ था वो इंडिया था, मैनेजर से लेके और जो सेल्स का स्टाफ था वो सारा का सारा हमें इंडिया का मिलता था, या काउंटर्स पे या होटल्स में जब फ्रंट डेस्क में हम जाते थे तो मेजोरिटी लोग मुझे या तो वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज के लोग नजर आए या फिर हिंदुस्तान के लोग नजर आए. ठीक है, अब ये चीज क्या है, ये चीज अगर हम ये कहते हैं कि यार इंडिया ने इसके लिए इंडिया को किसी ने प्लेट में रख के दे दी तो ऐसा नहीं है. इंडिया ने भी इसके पीछे बहुत सारे कहते हैं ना पापड़ बेलना, बहुत सारे पापड़ बेले. फिर उनको मिले जी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, वो जब मिले तो उन्होंने उस चीज को बड़ा तेज किया, और इसको अरब दुनिया में कैसे देखा जाता है ये बड़ी एक जबरदस्त किस्म की चीज है. वो क्या है, यह है कि सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात यानी यूएई दोनों रियासतों के शहजादों को इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म मोदी के अमली सियासत की ज़हनियत और एक मजबूत लीडर का अंदाज पसंद. ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक थिंक टैंक ने रिसर्च के बाद ये बात कर रहे हैं कि भाई क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी साहब इतने फेमस क्यों है. वैसे तो दुनिया में है लेकिन अरब ममालिक में जो एक इमेज बनाया गया था नरेंद्र मोदी जी का वो खत्म हो गया है. वो एक बड़ा सॉफ्ट और बड़ा एक आला पाए का जो लीडर होता है जिसको वर्ल्ड लीडर कहा जाता है उसी के तनाजुर में उनको लोग देखते हैं, इसलिए शेख जैद अन्नाहयान उनको एयरपोर्ट लेने आते हैं और प्रोटोकॉल को तोड़ते हैं. फिर मोहम्मद बिन सलमान ने जब दौरा किया था इंडिया का तो वहां पे उन्होंने बाकायदा ऐलान कहा कि नरेंद्र मोदी जी मेरे बड़े भाई हैं और मैं उसका छोटा